लेकिन आज हम आपको एक ऐसी जगह लेके आए हैं जहाँ पर जिंगर बर्गर सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये में दस्तयाब है भाई, सिर्फ 100 रुपये में। जिंगर की पैटीज रखी जा रही है यहाँ पर। आठ जिंगर यहाँ पर इस वक्त तैयार किए जा रहे हैं और ये आप देख सकते हैं सॉस जो है वो जिंगर पे डाला जा रहा है। अपने सॉसेज भी घर पे बनाते हैं। और ये क्या है भाई, ये कौन सा सॉस है? फ्राइज आ गए हैं, ताज़े ताज़े फ्राइज, और हर जिंगर के साथ जो है यहाँ पर फ्राइज भी दी जा रहे हैं। 100 रुपये के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, अगर आप कंपेयर करें 100 रुपये के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा है। इतने पैसों में आपको दाल वाला बर्गर मिलता है और अंडे वाला बर्गर, 100 रुपये के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन अल्लाह के वास्ते 100 रुपये का बर्गर समझ के ही खाना, ये एक्सपेक्ट मत करना कि यार ये 100 रुपये का बर्गर तुम्हें 400 रुपये जैसा लगेगा। 100 रुपये का जिंगर है, बहुत सारे लोग हैं, गरीब लोग हैं। लेकिन वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आप जिंगर बर्गर तो आपने खाया ही होगा कराची के बेशतर इलाकों में, लेकिन क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप जिंगर बर्गर की प्राइस जो है वो कितनी है? मतलब नॉर्मली जिंगर बर्गर अगर आपको बहुत सस्ता मिला तो 190 रुपये का जिंगर बर्गर मार्केट में मिलता है, जिसके साथ आपको फ्राइज़ नहीं मिलती है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी जगह लेके आए हैं जहाँ पर जिंगर बर्गर सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये में दस्तयाब है भाई, सिर्फ 100 रुपये में। 100 रुपये में जिंगर बर्गर है, 100 रुपये के अंदर, 120 रुपये के अंदर इनका क्लब सैंडविच है और 120 रुपये के अंदर इनका स्मॉल पिज़्ज़ा है। और ये प्राइस जो है वो चैलेंजिंग प्राइस है। और मज़ेदार बात ये कि 100 रुपये के जिंगर बर्गर के साथ जो है फ्राइज़ भी दस्तयाब है यहाँ पर। तो चलें रेस्टोरेंट की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरह से यहाँ सर्विंग हो रही है। अच्छा दोस्तों, मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये अब्दुलरहमान फास्ट फूड है और ये 4K चौरंगी के करीब है। लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूँगा। और यहाँ पर जो है मैं आपको बता दूँ, ये रास्ता जो है ये जा रहा है मंगूबीर की जानिब, और ये रास्ता जो है ये आ रहा है 4K चौरंगी से। तो हम आपको दिखाते हैं मज़ीद कि जो रेस्टोरेंट है यहाँ पर जो है वो प्राइजेस क्या हैं। अच्छा, सबसे अमेजिंग बात यह है कि इनके पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं और बहुत ही अमेजिंग प्राइस के अंदर है। बाकी अब्दुलरहमान फास्ट फूड जो है उसके ऊपर यहाँ पर जिंगर तैयार किया जा रहा है। यहाँ जो जिंगर जी की अभी यहाँ तैयार किया जा रहा है ऑर्डर का। जिंगर की पैटीज रखी जा रही है यहाँ पर। जिंगर यहाँ पर तैयार किया जा रहा है, जिंगर की पैटी जो है वो इस वक्त रखी जा रही है। सॉस डाल दिया है इन्होंने और आठ जिंगर यहाँ पर इस वक्त तैयार किए जा रहे हैं और ये आप देख सकते हैं। ये कौन सा सॉस डाल रहे हैं भाई? चिली गार्लिक, चिली सॉस जो है वो जिंगर पे डाला जा रहा है इस वक्त। मायो घर पे बनाते हैं अपने सॉसेज, आपके अपने सॉसेज हैं जी, घर पे बनाते हैं। और ये क्या है भाई, ये कौन सा सॉस है? गार्लिक।
कुलचा जी, कुलचा रखा जा रहा है इसके ऊपर। और ये भरपूर जिंगर है, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर 100 रुपए के अंदर जिंगर यहाँ पर दस्तयाब है तो जी उसके जो है वो क्वालिटी में कोई भंड होगा या कोई क्वालिटी जो है हल्की होगी। इसकी क्वालिटी बिल्कुल एवन है और आराम से एक आदमी पेट भर के जो है ये जिंगर यहाँ पर ले सकता है। फ्राइज़ आगे हैं, ताज़े ताज़े फ्राइज़, और हर जिंगर के साथ जो है यहाँ पर फ्राइज़ भी दी जा रहा है। आप देख रहे हैं कि कॉर्न फ्लोर के अंदर जो है इसको डाल दिया गया और है मैदे में, कॉर्न फ्लोर नहीं है सॉरी भाई, मैदा है, मैदे में इसको डाल दिया गया है यहाँ पर और इस पर अच्छी तरह से जो है मैदा लगा दिया गया है। दिखाना एक फिर उठा के देख रहे हैं आप, ये भाई भरपूर फ्ले है चिकन का, ज़बरदस्त। अच्छा जी, फ्राइज़ यहाँ पर इस वक्त तैयार किए जा रहे हैं, बिल्कुल फ्रेश हैं, बिल्कुल गर्मा गर्म हैं, बिल्कुल ताज़े हैं और ऐसा नहीं है कि रखे हुए फ्राइज़ जो है वो आप सर्व कर देते हैं जिंगर के साथ। भाई फर्स्ट टाइम ये सुन के आए हैं कि यहाँ का टेस्ट बहुत अच्छा है। अच्छा। और काफ़ी बंदों ने मुझे बताया कि यहाँ पे जायका बहुत अच्छा है इनका ना। जब आपने सुना आपको एक ही ना 100 रुपये में जिंगर बर्गर जो है मिल रहा है और नहीं, यकीन तो नहीं आया था लेकिन ये कि लेने आ गए, ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। बाकी ये कि सुना बहुत है, तारीफ बहुत सुनी है माशाल्लाह इनकी जी। चले, और क्लब सैंडविच वगैरह का भी सुना जी, क्या लेने आए हैं अभी आप? मैं अभी जिंगर और ब्रोस्ट लेने आया हूँ उनके पास। ठीक, यहाँ पर जो है वो इस वक्त मैं मौजूद हूँ अब्दुलरहमान फ़ास्ट फूड के नाम से जो है ये शॉप है और यहाँ पर हम यहाँ के ऑनर से बात करते हैं, पूछते हैं कि जी मतलब किस तरह से जो है वो यहाँ पर जिंगर सेल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम अस्सलाम भाई, खैरियत? अच्छा मुझे ये बताएं भाई कि ये क्या सिलसिला है 100 रुपये में जिंगर बर्गर? बड़ी हैरत अंगेज़ बात है, हम बड़ी दूर से आए हैं सुन के, खाने के लिए भी आए और देखने के लिए भी आए, हमने कहा यार देखते हैं क्या है। यार बस ये रेट रेजनेबल रेट हैं हर किसी की पहुंच के लिए, कि जो भी है हम खुद भी नहीं अफोर्ड कर सकते, कहीं जाते हैं 200-250 ऐसे जिंगर है। तो ये कि नॉर्मल पीस बना रहे हैं हम, कोई इतना हाई फाई भी नहीं है, कोई इतना लो भी नहीं है। नहीं लेकिन मैंने ये देखा है कि मतलब जब आप 100 रुपये में या 120 रुपये में या इवन के 180 रुपये के जिंगर बर्गर के साथ भी लोग फ्राइज़ नहीं देते, तो आप 100 रुपये में फ्राइज़ भी ऐड करके दे रहे हैं, तो मतलब यार ये तो दोनों चस्के लगेंगे खाने वाले को। अच्छा मतलब कोई ऐसा तो नहीं कि चिकन की क्वालिटी हल्की है? नॉर्मल जो सब इस्तेमाल करते हैं वही चिकन है, वही चिकन है, फ्रेश चिकन होती है। और इसके अलावा क्या है आपके पास? इसके अलावा क्लब सैंडविच है, स्मॉल पिज़्ज़ा है जो रनिंग आइटम है। अच्छा, क्लब सैंडविच की क्या प्राइस है? 120 रुपये। सिर्फ 120 रुपये का जी? वो ट्रिपल लेयर वाला, तीन लेयर वाला, तीन स्लाइस का। अच्छा, तीन स्लाइस वाला 120 रुपये का, यार ज़बरदस्त है। तो मुझे बताएं कि मतलब कैसे मैनेज कर लेते हैं भाई? बस शुक्र है अल्लाह पाक का, गुजारा है। क्या कोई गीदड़ सिंगी है, हमें भी बता दें कोई राज? नहीं नहीं, बस ये अल्लाह के ऊपर है। टेस्ट में कोई फ़र्क लोग पसंद करते हैं? आप खुद माशाल्लाह खाएंगे तो आप खुद बताएंगे। लोग पसंद करते हैं, आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ कहाँ से आते हैं लोग आपके पास? काफ़ी दूर दूर से आते हैं, मलिर से भी आते हैं, हैदराबाद से भी। अच्छा मुझे बताएं अगर कोई आना चाहे तो यहाँ कैसे पहुँच सकता है, और यहाँ आना चाहे तो कैसे पहुँच सकता है? और दूसरी बात मुझे ये बताएं कि यहाँ पे आप जो है ऑनलाइन वगैरह कर रहे हैं, मतलब अगर कोई ऑनलाइन? अभी स्टार्ट नहीं किया ऑनलाइन, ऑनलाइन स्टार्ट नहीं किया, लेकिन यहाँ की लोकेशन बता सकते हैं? हाँ, लोकेशन है ये नॉर्थ कराची की लास्ट चौरंगी है, 4K चौरंगी, इससे उल्टे हाथ पे टर्न होते हैं तो
मक्का होटल नियर है, मक्का होटल से पहले ही है सर्विस रोड पे। ये सारी जिम बना हुआ है, एक्सरसाइज क्लब है इसके बराबर में ही, अब्दुल रहमान फास्ट फूड। मतलब चिकन की क्वांटिटी क्या होती है एक बर्गर में? नॉर्मल या इसका हिसाब नहीं लगाया कि कितने ग्राम का, भाई ये कि सबके मुंह में आ जाती है। चले भाई इनका बर्गर ट्राई करेंगे और उसके बाद फिर आपको बताएंगे कि इवन क्वालिटी इनकी कैसी है, अच्छी क्वालिटी है या नहीं है। तो चले बर्गर की जानब जो है चलते हैं, यहाँ देख रहे हैं आप। भाई काशिप भाई कैसा लगा आपको बर्गर? भाई बेहतरीन बर्गर है, जिन पैसों में 100 रुपये में चटनी वाला बर्गर, चटनी वाला बर्गर मिलता है, वो भी थोड़ा दाल वाला। ये चिकन भी है इसमें, फ्रेंच फ्राइज भी हैं, बहुत अच्छा, बहुत सस्ता और बहुत अच्छा टिकाऊ बर्गर है, मज़ा आ रहा है। जायके में बेहतरीन है, 100 रुपये के हिसाब से, 100 रुपये के हिसाब से बेहतरीन चीज़। तो भाई बर्गर फाइनली जो है यहाँ पर आ गया है और रिंगर बर्गर ही मैंने ऑर्डर किया, मैंने जो है वो ऑर्डर नहीं किया है क्लब सैंडविच। अच्छा अब मसला ये है कि 100 रुपये के बर्गर में आपको फ्राइज़ भी मिलते हैं साथ में, ये बड़ी अमेजिंग बात है। अंडे वाला बर्गर जो होता है ना उसकी प्राइस में आपको जिंगर खाने को मिल रहा है, और भाई बड़ी ब्लेसिंग है और अल्लाह का जो है वो मतलब कुदरत अल्लाह की कि भाई ऐसे लोग भी हैं जो इतना सस्ता जो है वहाँ पे सस्ता जिंगर बेच रहे हैं। जिंगर ट्राई करके बताता हूँ आपको, उसमें पैटी डली हुई है थोड़ी, पैटी थोड़ी छोटी है। दोबारा एक बाइट देके देखता हूँ, भाई वाह 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 भाई वाह, तो 100 रुपये के हिसाब से ना बहुत ज़्यादा है, अगर आप कंपेयर करें 100 रुपये के हिसाब से बहुत ही आला है। इतने पैसों में आपको दाल वाला बर्गर मिलता और अंडे वाला बर्गर 100 रुपये के हिसाब से बहुत ही आला है। तो अब सीन ये है कि यहाँ पर आप आएँ, लोकेशन मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, मैंने बता भी दिया आपको, लेकिन अल्लाह के वास्ते 100 रुपये का बर्गर समझ के ही खाना। ये एक्सपेक्ट मत करना कि यार ये 100 रुपये का बर्गर तुम्हें 400 रुपये जैसा लगेगा, 100 रुपये का जिंगर है। बहुत सारे लोग हैं, गरीब लोग हैं, देखो कितने सारे लोग हैं, काशी भाई दिखाई गया था आपके पीछे भी कुछ लोग बैठे हैं, बस वापस आए। तो भाई बात यह है कि गरीब लोग हैं, मतलब महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, इन इस वक्त अगर आपको जो है वो इतने पैसों के अंदर जिंगर खाने को मिल रहा है, खुदारा कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर मत, ये बिल्कुल मत कहिएगा कि जी पैटी छोटी है, बर्गर अच्छा नहीं है, फलाना है। 100 रुपये के हिसाब से ये लाजवाब है। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।